हमारी ट्रीट कहाँ है? ओ, कुछ उड़कर आ रहा है। क्या बस इतना ही? एक छोटी सी आंख। ओह देखो, सिर्फ इतना ही नहीं है। तुम्हें तो कितनी छोटी आंख मिली, पर मुझे इसे कई गुना बड़ा है। मैं भागशाली हूँ। ओह, मैं तो सबसे भागशाली हूँ। देखो मुझे कितना बड़ा मिला है। क्या तुमने पहले कभी ऐसी गमी आंख देखी है? नहीं, लेकिन मुझे वो चाहिए। नहीं मिलेगा। जाओ तुम अपना नन्हा वाला खाओ। हाँ, यह इतना छोटा है कि मैं इसे एक बाइट में खा सकता हूँ, या एक बार ऊपर उछाल कर। अब तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरे पास ये बड़ा वाला है। क्या मुझे थोड़ा दोगी प्लीज? तुम्हें चाहिए? नहीं मिलेगा। अच्छा ले लो। नहीं, कितना स्वादिष्ट है। अगर इतना अच्छा है तो मुझे भी दो ना। नहीं, छुओ मत, ये मेरा गमी है। मुझे बस थोड़ा चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरा है। नहीं, मेरा। यह सही हुआ। तुम वहाँ लेटी रहो और मैं खाता हूँ। नहीं, तुम्हें मुझे दोगे, क्योंकि वो मेरा है। नहीं, दूसरी तरफ से। अच्छा ठीक है। सुनो केट, क्या मेरे साथ शेयर करोगी? जाओ यहाँ से, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं बांटेगा। तुमने सब खा लिया है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे बिना ही अपनी आँख खा सकती हूँ, पर कैसे खाऊं? छोड़ो, मैं तो टूट पड़ूंगी। यह तुमने क्या कर लिया? मदद करनी होगी। तुमने मुझे कुछ दिया भी नहीं और मुझे ही बचाना पड़ेगा। ये मैं देख सकती हूँ। अरे वो वापस आ रहा है। मेरे पास कितने अच्छे दोस्त हैं। मुझे बचा भी लिया और उस कुछ खाने के लिए भी छोड़ दिया। अरे नहीं, मिर्च अच्छी नहीं होती है। हाँ, यह भयानक होगा। हाँ, वो तो तुम कह सकते हो। इधर देखो मुझे क्या मिला है। मैं इसके साथ क्या करूंगी? यह कितना बड़ा है, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सिंडी शुरू कर रही है। हाँ मैं खाती हूँ, देखो कितना आसान है और बिल्कुल तीखी नहीं है। ओ नहीं, ओ यह तीखी है। बहुत ही तीखी है, मुझे पानी चाहिए। बच गई, अच्छा था कि पानी पास में था। चलो एंडी, अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी? पर मुझे डर लग रहा है, कितनी तीखी होगी। अरे चलो खाओ जल्दी। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। आह, मैं जल रहा हूँ, कोई बचाओ। मदद करनी होगी, हम यहाँ हैं। फायर फाइटर सिंडी और केट काम पर लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों नहीं होते तो मैं पक्का जल जाता। अच्छा केट, अब तुम चलो। मैं? अरे देखो मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। रुको, तुम तब तक कहीं नहीं जा सकती जब तक कि तुम्हारे सामने रखी हुई स्वादिष्ट चीज खत्म ना हो जाए। अच्छा ठीक है, खा कर देखती हूँ। बुरा नहीं था, पर मुझे नहीं खाना। क्या, तो अब मैं खुद तुम्हें पूरा यह खिलाऊंगा। क्या कर रहे हो? मिर्च तुम्हारे मुंह में ठूस रहे हैं। तुम्हें खाना ही होगा, मुझे लगा हम दोस्त थे। हाँ हम दोस्त हैं, और अब समय आ गया कि तुम्हारे दोस्त खुद को बचा ले, क्योंकि अब आग लगने वाली है। क्या आग? मैं जल जाऊंगी, कोई मेरी मदद करो। बाय केट, अंतरिक्ष से हमें फोटो जरूर भेजना। मुझे लगता है उसे लौटने में काफी समय लगेगा।
काश मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले और कुछ बड़ा भी। बस बातें बहुत हो गई, खोलो। हाँ हाँ ठीक है। क्या बस इतना ही? इतना छोटा बर्गर? ये तो मैं एक बार में निगल लूंगी। लगता है किस्मत ने किसी को धोखा दे दिया। चुप रहो, तुम अपना खोलो। मुझे बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन मुझे और चाहिए। तू अब पक्का मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा। देखती हूँ। हाँ जैसा मैंने कहा था, बहुत बढ़िया। क्या यह सही नहीं है? वो मेरा होना चाहिए। चलो चिल्लाओ मत, बेहतर होगा मुझे खाते हुए देखो। मैं तौर तरीकों से खाना पसंद करती हूँ, इसलिए यह नैपकिन मेरे काम आएगी। और मुझे कांटे और चाकू की भी जरूरत होगी इस बर्गर को खाने के लिए। हमें तो दिख भी नहीं रहा है कि तुम क्या काट रही हो। एक शानदार लड़की एक शानदार बर्गर को काट रही है। खैर तुम्हें यह सब नहीं समझ आएगा, तुम लोगों को शिष्टाचार के बारे में क्या पता। बहुत स्वादिष्ट है, अब बस अपना मुंह पोंछना होगा। हाँ हो गया, अब तुम चलो। हाँ चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं इस बर्गर को जल्दी से खा लूंगा। पूरा एक बार में मुंह में डाल लेता हूँ, इतना स्वादिष्ट है। हाँ तुम्हें सच में शिष्टाचार के बारे में कुछ नहीं पता है। वो सबकी किसे फिक्र होगी अगर सामने कुछ स्वादिष्ट हो। अफसोस है इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ तुम लोगों को तो कम मिला, मेरा बर्गर देखो कितना अच्छा है। वैसे यह काफी भारी है, मैं यह नहीं उठा सकती, इसलिए ऐसे खा लेती हूँ। रुको मैं दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं इस बर्गर को जल्दी से एक कांटे और चाकू की मदद से खा सकती हूँ। पर यह बहुत छोटा है। हाँ मेरे पास एक बड़ा चाकू है। क्या इससे भी नहीं होगा? मेरे चेन सॉ को निकालने का समय आ गया है। हमें मत काटना। यह तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे बर्गर के लिए है यार। और हो गया। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, अब मैं इसे आसानी से और जल्दी से खा सकती हूँ। और भी अच्छी बात है कि मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। अच्छा तो तुम हमारे साथ शेयर करोगी? मैं अपना खाना बिल्कुल नहीं। कितनी लालची हो। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है और ध्यान रखना मेरी नजर तुम पर है। उफ, कितनी मतलबी है। मुझे जो बुलाना है बुला लो, मुझे खाने में बहुत मजा आ रहा है। अरे जरा देखो उसके पेट को क्या हो गया है। क्या पेट? कितना बुरा, अब मैं क्या करूं? मेरी कोई मदद करो प्लीज। उफ, हमें हमारा नाश्ता कब मिलेगा? ओह हबा बबा, मुझे किसी कारण से सबसे कम मिला है, पर मुझे तो बहुत सारे मिले हैं। पर मेरे पास सबसे ज्यादा है, तुम्हारा मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ कितना बढ़िया बबल गम। जिल तुम्हारे पास सबसे कम है, इसलिए तुम पहले जाओ। जरूर खुशी खुशी। हालांकि मेरा छोटा है, फिर भी वो वास्तव में स्वादिष्ट है। हाँ वो तो होगा ही। मुझे लगता है कि मैं अपने सारे हबा बबा को एक बार में खा सकती हूँ। इस तरह से ये जल्दी होगा और इसका स्वाद भी बेहतर होगा। वो बहुत आसान था। ओह लगता है ये अटक गया है। ओह मदद करो। अरे देखो तुम कहाँ थूक रही हो। मुझे लगा ये हमेशा के लिए मेरे गले में अटक गया। मैरी अब तुम्हारी बारी। आखिरकार। वाह मेरे पास बहुत सारे छोटे पर स्वादिष्ट गम है, यह काफी समय तक चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये सारा एक ही बार में खा जाओगी।
हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मेरी गलती नहीं है, ये है ही इतना स्वादिष्ट। सभी देखो, मैं एक बड़ा बबल बनाने जा रही हूँ। देखो ये कितना बड़ा है। ओह, वो तुम्हें चांद पर ले जा सकता है। बाय बाय। देखो मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ कि कौवे मेरे बगल से उड़ रहे हैं। आ, चिड़िया मुझसे टकरा गई। अरे नहीं, ये बुरा हुआ, मैं उड़ रही हूँ। वाह, बहुत मजा आया। एंडी, केवल तुम ही बचे हो। वाह, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा गम मैंने पहले कभी नहीं देखा। सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट। हाँ, यह काफी अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट भी। यह बड़ा दिख रहा था, पर इसे खत्म करने में कुछ ही सेकंड लगे। अब एक बड़ा बबल बनने वाला है, देखो। वाह, इतना बड़ा। आह, तुम्हें पता है वो बबल उतने मजबूत नहीं थे। यह कमाल का था, किसी राइड की तरह। मुझे छोटी सी गमी आंख मिली है, और तुम लोगों को कितनी बड़ी, यह सही नहीं है। और मेरे लिए सब कुछ सही है, बढ़िया गमी आंख, बिल्कुल, खास करके मेरे, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। स्टॉप, सभी रुको, मेरे पास सबसे छोटी है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। मेरे पास इसके लिए विशेष कांटा भी है। उफ, ये फिसल गई। इसे अपनी ओर खींचना होगा। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया। यह छोटी है पर बहुत स्वादिष्ट, और इसके अंदर एक अद्भुत जेली फिलिंग भी है। पर अफसोस, मुझे केवल एक ही मिला। जेल, अब तुम जाओ। ये, मैं बहुत खुश हूँ और भूखी भी। मेरी आंख बड़ी है, तो मुझे ना केवल एक कांटा चाहिए, बल्कि छुरी भी चाहिए। इस तरह से मैं इसे तेजी से खा सकती हूँ और आसानी से। जैसा मैंने सोचा था, ये एक सपने के सच होने की तरह है। मुझे याद है कि इसका स्वाद कैसा होता है। मैं रुक नहीं सकती, यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, और तुम्हारी स्पीड भी गजब की है। और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, मैं तो सारा एक बार में निगल लेना चाहती हूँ। उप्स, माफ करना, भयानक गंध, मुझे दूसरी तरफ मुड़ जाना चाहिए था। अच्छी बात है कि अब मेरी बारी है, लेकिन मुझे एक बड़ा कांटा चाहिए। यह बहुत भारी है। हाँ, यह एक समस्या है। इस बड़ी और फिसलने वाले कांटा को पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा आटा चाहिए, इससे यह फिसलेगा नहीं। तो कैसा चल रहा है? उधर देखो, तुम्हारे पास कुछ आ रहा है। सावधान। मैं संभल नहीं पा रही। कितनी भारी मक्खी, उसका धन्यवाद। अब याक हमारी है। नहीं, हाथ हटाओ। बिना काटे के भी मैं इस आग को खा सकती हूँ। तुम लोग सही कह रहे थे, ये बहुत अच्छी है। इसके समान स्वादिष्ट मैंने कभी कुछ नहीं चखा है। देखो, मैंने लगभग पूरी खत्म कर दी। हाँ, हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम उसके टुकड़े को पूरी ताकत से अपनी ओर उड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। तुम्हें थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए। मैं नहीं कर सकती, यह इतनी स्वादिष्ट है कि मुझे शिष्टाचार और तौर तरीकों की परवाह नहीं है। यह आइसक्रीम की सबसे छोटी मात्रा है जो मुझे लगता है मैंने कभी देखी हो। मैं थोड़ी किस्मत वाली निकली। तुम, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। जरा इस आइसक्रीम के पहाड़ को तो देखो जो मुझे मिली है। यह बहुत सारे हैं।
और मुझे यकीन है कि ये सब स्वादिष्ट है। मुझे वह चाहिए। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? यह खाने का समय है। सच तो यह है कि प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं है। तुम सही कह रहे हो, खाने का समय। हालांकि मेरी आइसक्रीम इतनी छोटी है कि अगर मैं इसे ठीक से टॉस करूं तो सीधे अपने मुंह में पकड़ सकती हूं। वाह, यह अच्छे से हुआ। अपनी नाक पोंछ लो। ओह हाँ, धन्यवाद। उफ, आइसक्रीम खत्म हो गई। अब मेरे पास बस कोन बची है। खैर, मेरा हो गया। जिल, तुम्हारी बारी। चलो जिल। मैं कोई खेल खेलना नहीं चाहती, मैं बस इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। वो हर तरफ गंदा कर रही है। कितना अच्छा। पर इतना अंधेरा क्यों है? उसे पता कैसे चलेगा? आइसक्रीम मेरे चश्मे पर चिपक गई है। ये ठीक नहीं है, मुझे नया चश्मा चाहिए। अब मैं फिर से देख सकती हूँ और मैं आइसक्रीम को सीधे चश्मे पर से भी खा सकती हूँ और इस कोन को भी। ये बहुत अच्छा है। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मैंने हमेशा से इतने सारे आइसक्रीम का सपना देखा है। मैं इनके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसे हाथ में लेकर दबा सकता हूँ। आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इतनी अधिक है कि मेरा दिमाग फ्रिज हो गया है। तुम नीले हो गए हो, शायद तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मैं अंत तक करूंगा। लेकिन तुम पूरी तरह से जम चुके हो। कोई बात नहीं। ओह, वो वाकई ठंडा हो गया है। हमें उसकी मदद करनी होगी। ठीक है, चलो उस पर गर्म हवा डालते हैं। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। चिंता मत करो, हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। धन्यवाद। वो स्वादिष्ट था पर बहुत ही ठंडा। क्या केवल इतना ही? मैंने इतना छोटा कुल्ला कभी नहीं देखा। मैं बहुत लकी निकली। लकी? देखो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। मैंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी। लेकिन जो सबसे कम लकी है वह पहले शुरू करेगा। मैरी, तुम पहले करो। एकदम आसान, केवल इस छोटी बोतल को किसी तरह खोलना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसी भी तरह खोल कर रहूंगी। अब खुल भी जाओ। ओह, तराम! मैंने कहा था मैं किसी भी तरह खोल ही लूंगी। कितना स्वादिष्ट। पर अफसोस की बात है कि इतना कम था। एमा, अब कोक को पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा सोडा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसे और भी स्वादिष्ट क्यों ना बनाएं? जैसे कि कोला में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अब बस सब तैयार है। अब इसे थोड़ा हिलाना है। और बेशक आप कोला गर्म नहीं पी सकते, इसे अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। हो गया, आप इसे पी सकते हैं या बल्कि इसे खा सकते हैं।
उसे कोला फ्लेवर्ड जेली मिली है। बिल्कुल, यह सब फ्रिज में शहद की वजह से हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं सारा अभी खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, शायद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, नहीं, शहद की वजह से मेरा हाथ बोतल से चिपक गया। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं गंदा नहीं होना चाहती। तब मुझे टेबल का उपयोग करना होगा। अब मैं अपने हाथ का क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। खैर, अब कोक पीने की मेरी बारी है और मैंने इसके लिए एक स्ट्रॉ तैयार रखा है। अच्छा दिख रहा है ना? ओ नहीं, मैंने स्ट्रॉ डुबो दिया। अब मैं निश्चित रूप से कोला नहीं पी सकती। यह अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। और मैं इसे एक लंबी स्ट्रॉ बना सकती हूँ। हे एमा, मेरा कहना है कि क्यों ना उसके आइडिया को उधार ले ले और कोक भी। हे, यह क्या है? एक मिनट रुको। लड़कियों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या तुमने बचपन में नहीं सीखा है कि दूसरों की चीजें नहीं ले सकते? हटो यहाँ से। लालची, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मैं हमेशा मेंटोस कैंडी अपने साथ रखती हूँ। तैयार? अब यह विस्फोट करने वाला है। हुर्रे, कितना बढ़िया विस्फोट है। अब मैं पूरी चिपचिपी हो गई हूँ और मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब हम सब फनी दिख रहे हैं। ये इसके लायक था। हाँ, इससे मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हाँ, पर ये नूडल्स बहुत तीखे होते हैं। ओ नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पूरी बाल्टी भर कर नूडल्स है। अच्छी बात है कि केट इस बार शुरू करेगी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नूडल संभाल सकती हूँ। और ये ज्यादा भी नहीं है। ओह, यह कितना तीखा है। दोस्तों, तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हाँ, यह अच्छा नहीं है। एमा, मैं तुमसे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। जितनी जल्दी मैं इसे खाऊंगी, उतनी जल्दी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सब ठीक है। ओ, मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि केट किस बारे में बात कर रही थी। सच में बहुत तीखा है। ओह, मैंने काफी दिनों बाद इतनी आग देखी है। अब यह बहुत बेहतर है, पानी ने मदद की। मैरी, बातें करना बंद करो, यह नूडल्स खाने का समय है। लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। नहीं। पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एमा, मुझे थोड़ा पानी दो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी मदद करेंगे मैरी। धन्यवाद। यह इस तरह से बहुत आसान है। मैं खाना जारी रख सकती हूँ। बस मुझ पर स्प्रे करना नहीं भूलना। मैरी, तुम हमेशा हम पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, पर मुझे पानी चाहिए। ओ, लगता है पानी खत्म हो गया है। कितना बुरा समय है। बचाओ।
ओह दोस्तों, मुझे तुम्हारे बाल के लिए अफसोस है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह कितना कटीला कैक्टस, तेज और बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा कैक्टस बड़ा है? क्या तुमने मेरा देखा है? इसे तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। जब तुम्हारे खाने की बारी आएगी देखते कि तुम कितनी शांत रहोगी। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कैक्टस के सारे कांटों को हटा दिया जाए, तब मुझे ये चुभेगा नहीं। यह अच्छे से हो गया। स्वाद अभी भी वैसा ही है, लेकिन ट्वीजर वाला मेरा आइडिया काम किया। ठीक है, अब मेरा हो गया। अब एमा की बारी है। मुझे भी कांटों से छुटकारा पाना होगा, और मुझे इससे अच्छे से निपटना आता है। हैया! यह तैयार है। वाओ एमा, तुम एक असली निंजा हो। शाबाश। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बातें करना बंद करो, यह खाने का समय है। ओ नहीं, यह बहुत खराब है। यहाँ तक एक निंजा भी ऐसे कचरे को संभाल नहीं सकता। घिनौना। लेकिन तुम्हें अभी भी इसे खाना होगा। आखिर ऐसे बेकार नियम को बनाया किसने? ओह, नहीं, बहुत हो गया। इतनी खराब चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। खैर, मेरा हो गया, अब सिर्फ तुम बची हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं मैरी की तरह करूंगी। मैं भी ट्वीजर के साथ सभी कांटों को बाहर निकालूंगी। मेरे पास एक बेहतर और तेज आइडिया है। केट, यह आरी ले लो। आरी? ओ नहीं, मैं उसे वैसे भी संभालना नहीं जानती, लेकिन ट्वीजर के साथ ये आसान है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठकर इंतजार कर लेते हैं। उफ, ऐसे बैठकर इतना इंतजार करना कितना बोरिंग है, और अभी भी बहुत बचा है। चलो अब खा भी लो। केट, इतना समय क्यों लगा रही हो? रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यह तैयार है। ओह, सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं अकेले ही इसे खा लेती हूँ। महक तो ठीक है। ओह, लड़कियां सही थी। कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा है, लेकिन जब से हर कोई सो रहा है किसी को शक नहीं होगा कि मैंने इसे फेंक दिया है। ओ, ओ वह क्या था? ओ यह मैं हूँ। बस वह इतना खराब था, मैंने उस बर्तन को दूर फेंक दिया। ओह बेचारी केट, वो मेरे झांसे में आ गई। कूल, मुझे न्यूट्रेला बहुत पसंद है, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा हो। वाओ, वैसे भी मेरे पास सबसे अधिक है। हाँ तुम लकी हो, लेकिन केट शुरू करेगी। लेकिन न्यूटेला को ऐसे खाना जल्दबाजी होगी। मैं सबसे पहले छोटे टोस्ट बनाऊंगी, ताकि चॉकलेट पेस्ट फैलाने के लिए कुछ तो हो। जरा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा किचन है। थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसे पलट देते हैं, और मेरा छोटा टोस्ट तैयार है। और अब समय है न्यूटेला को लगा लेने का। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है, यह कितना प्यारा है। वाह!
मुझे ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे जीवन भर खाना चाहूंगी। ये अफसोस की बात है कि जार छोटा है। ये बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं भी न्यूटेला के मजे ले सकती हूँ और इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपनी उंगलियों से खाऊंगी। ओ हाँ, ये तो कमाल का है। पर ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। ओ नहीं, हे मेरा हाथ। केट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आ हाँ, हम इस आरी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। ओ एमा, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब जार को बाय बाय करने का समय है। एमा, अब तुम्हारी बारी है। वाह, जरा देखो कितनी चॉकलेट है। लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी संभाल सकती हूँ। मैंने विशेष रूप से एक विशाल चम्मच भी तैयार किया है इसके लिए। ओ हाँ, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओ ओ, ऐसे जार के लिए चम्मच बहुत छोटा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच के बिना सब कुछ खत्म कर दूंगी। ओ हाँ, मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ओह, तुम्हारे शिष्टाचार किधर गए? एमा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया।